Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Paramita and you are watching Paramita's Delight. So starting of the vlog, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक करते जाइए, और सब्सक्राइब के पास में जो उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दीजिए, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. तो आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करने आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो बहुत ही ईजी से इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, तो और जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी है और लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए क्रेव कर रहे होंगे. तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ दो बहुत यमी रेसिपी. और मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक एग डेविल की रेसिपी, जो कि जिसको बंगाली में कहते हैं डीमेट डेविल, या फिर आप कह सकते हैं एग पकौड़ा काइंड ऑफ चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है एंड इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है. इवनिंग स्नैक्स क्या, अगर आपने वो एक एग डेविल खा लिया ना तो बस उसके बाद में आपका काफ़ी टाइम तक पेट भरा रहेगा, एंड इट्स अ ईजी मंचिंग ऑप्शन. पहले ही बता देती हूँ कि दोनों ही स्नैक्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, भले ही मैंने उसमें मैदा की जगह आटा का यूज़ किया हो या दोनों को मिक्स किया हो, बट या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. अगर आप लॉकडाउन में थोड़ा सा चेंज चाहते हो, थोड़ा अपना हेल्दी रूटीन को थोड़ा सा यू नो मंचिंग, या फिर आपके बिंज डेज पर आप कुछ खाना चाहते हो, तो आप ये वाले स्नैक्स ज़रूर ट्राई कर सकते हो. आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द वीडियो. सो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है. आप चाहे तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों को हाफ हाफ मिक्स भी कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक वेल बना लिया है एंड देन उसके बाद मैं इसमें कर्ड डाल दूंगी, और मेजरमेंट सब मैंने डिस्प्ले कर दिया है. थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, थोड़ा सा शुगर डाल दूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा. आप चाहे तो इसकी जगह पर इनो भी डाल सकते हैं अगर बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है, केवल इनो से भी आपका काम चल जाएगा. एंड देन इसको हमें अच्छे से नीट करना है, थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है, और एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, लाइक सुपर सॉफ्ट डो लगाना है, बट वो स्टिकी भी नहीं होना चाहिए. तो एंड में आप थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कर देंगे तो स्टिकीनेस उसका ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ा और आटा या मैदा चाहिए तो वो भी डाल के आप उसको अच्छे से नीट कर सकते हैं. जब आप नीडिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एंड में हम इस पर थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे, ताकि ये जिसकी सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक डैम्प क्लॉथ की मदद से इसको ढक के किचन काउंटर पर ही रख दिया है. इसके ऊपर से मैं एक और प्लेट भी डाल दूंगी. एंड अब हम चलते हैं वाइट सॉस के प्रोसेस में. वाइट सॉस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे 2 टीस्पून बटर. कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, घर पे भी बटर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल. इसको थोड़ा हीट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मैदा. इसमें आपको मैदा का ही यूज़ करना है, आटा का यूज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. तो हल्का हल्का इसको फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि बटर जलने लगता है. एंड देन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करूँगी. आपको ग्रेजुअली ऐड करना है, एक साथ सारा ऐड नहीं करना है. एंड धीरे धीरे इसको हम मिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना रहे. मैंने इसमें लास्ट में ये पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी एक अच्छे से सॉस कंसिस्टेंसी. अगर आपको चाहिए थोड़ा और पतला तो आप थोड़ा मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं. यहाँ मेरा डो बिल्कुल रेडी है आफ्टर 2 आवर्स, और यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है, और अब मैं इसको बेल के पिज़्ज़ा के शेप में करूँगी. आपको कैसा पिज़्ज़ा चाहिए आप वैसा बना लीजिए. थिन क्रस्ट चाहिए थोड़ा थिन बेलिए, आपको थिक क्रस्ट चाहिए थोड़ा थिक बेलिए. तो मैंने अपने हिसाब से इसको एक बेल लिया है, और ये मैंने एक प्लेट जिसमें मैं बेक करूँगी. अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है, आप माइक्रोवेव में ब्रेक करना चाहते तो ठीक है, बट मैं इसको नॉर्मल अपना अवन सेटअप जो कढ़ाई से बनाऊंगी उसमें करूंगी. तो इस पर मैंने इस रोटी को जो बेला था इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल बेल के फिर इसको मैं हाथों से फैला के इसको प्लेट के शेप का करूंगी, और मैं इस तरीके से अपने उंगलियों से डैप डैप कर दूंगी. एंड देन इसके बाद में मैं इसमें सॉस डालूंगी. सॉस ये नॉर्मल टोमेटो केचप है. देन उसके बाद मैंने एक गार्लिक सॉस मेरे पास था वो डाला है मैंने, उसके अंदर मैंने चिली सॉस डाला है, एंड मैंने थोड़ा सा मेरे पास ये हर्ब्स थे ओरिगैनो एंड नॉर्मल बेसिल हर्ब्स का मिक्स, वो मैं डाल के अच्छे से इस सॉस को फैला लूँगी. अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल यही अवेलेबल था तो मैंने ये डाल दिया. अब मेरे पास जो भी मैंने ये वाइट सॉस बना के रखा है वो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा डालूँगी. थोड़ा मैं अभी लगाऊँगी, थोड़ा मैं टॉपिंग्स लगाने के बाद डालूँगी. तो ये मैंने टॉपिंग्स लगा दिया है,
व्हाइट सॉस को एकदम अच्छे से आपको उस तरीके से ही फैला लेना है। टॉपिंग्स जो भी आपके पास आप लगाना चाहे आप लगा लीजिए, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा और मैं व्हाइट सॉस डाल दूँगी। मैं इसमें कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ओवन सेटअप है, इसमें मैंने नीचे थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है और ये मैंने प्लेट रख दिया है, और मैं इसे ढक के अब इसे मीडियम से लो फ्लेम पे 20-25 मिनट्स बेक कर लूँगी। एंड हियर माय डिलीशियस आटा पिज्ज़ा इज रेडी। यानी कि एग का डेविल यू कैन से। और इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हम जो इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, हमें एग चाहिए। सबसे पहले हम एग को बॉयल कर लेंगे, एंड देन उसके बाद में हमें उसके ऊपर एक लेयरिंग लगानी होती है, एंड देन उसको डीप फ्राई करना होता है। तो लेयरिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे न्यूट्रेला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने न्यूट्रेला को जस्ट बॉयल कर लिया है, देन मैं इसका पानी जो है वो स्क्वीज करके से काइंड ऑफ पेस्ट बनाऊंगी, ग्राइंड कर लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एडेड द ऑयल इनटू इट, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड द चॉप फाइनली चॉप अनियंस, एंड अलोंग विद दिस वी हैव सम ग्रीन चिलीज। हम इसको जस्ट एक स्टर करेंगे बहुत ही लाइट, हाई फ्लेम पे आपको पकाना है। As you guys can see, onion has changed its color. After that, we are going to add few chopped garlic along with it, few chopped finely chopped ginger. And यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्लिक रख ले रही हूँ, इसको मैं एंड में डालूंगी ताकि बिल्कुल गार्लिक वाला फ्लेवर एकदम उभर के आए। Stir it just for 1 minute in medium flame. In this stage, I'm going to add some basic spices, जिसमें की है जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। इसे मैं मिक्स कर दूंगी। Adding little bit of more spices, like थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा गर्म मसाला। मसाले को अच्छा और बढ़िया कुक कर लेंगे, एंड देन जो हमने ग्राउंड करके रखा है हमारा सोयाबीन का पेस्ट आप बोल सकते हो, उसे मैं डाल दूँगी। मोस्टली जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें जो डीमेट टेबल, जो ये एग का डेबल ये रेसिपी बनती है, इसमें वो मोस्टली मटन, ग्राउंड मटन या फिर ग्राउंड चिकन डालते हैं, बट आई डोंट हैव ऑल दीज, तो मैं न्यूट्रेला से काम चला रही हूँ। एंड नाउ गोइंग टू गिव इट अ गुड स्टर। सो आफ्टर गुड मिक्स, और एक मिनट हो गया है, मैं जो इसमें मेरे पास बचे हुए थे चॉप्ड गार्लिक वो डाल दूंगी, ये रोस्टेड जीरा एंड मिर्ची पाउडर है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। देख सकते हैं कि इसका पूरा पानी जो है वो ड्राई आउट हो गया है। इस स्टेज पे आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, या ये मेरे पास में बिस्किट का चूरा है ये मैं इसमें डालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी बनानी है कि मैं इसको रैप कर सकूं एग में, सो ये बाइंडिंग देगा हमारे फिलिंग को। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पोटैटो भी मिक्स कर सकते हो, वो सेम काम करेगा, या थोड़ा सा मैदा भी मिक्स कर सकते हो। 1 मिनट मैंने इसको स्टर किया है एंड इट्स रेडी। अब मैं इसको थोड़ा सा कूल होने के लिए रख दूंगी, एंड देन वी विल मेक एग डेविल। सो ये मैंने कूल कर लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब मैं इसमें से थोड़ा पार्ट लूंगी एंड इसको मैं फ्लैट करूंगी, जैसे कि इस तरीके से फ्लैट करना, जैसे आप जब भी आलू का पराठा भरते हैं तो जैसे आटे को फ्लैट करते हैं, जैसे उसके अंदर आपको कुछ फिलिंग भरना है, तो वैसे ही इसको फ्लैट करेंगे। एग लूँगी मैं बॉयल्ड एग, और इसको इस तरीके से इस पर प्लेस करेंगे, एंड इसके बाद में इसको कवर करेंगे इस तरीके से।
अच्छे से कवर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और फिलिंग लूँगी और कवर करूँगी। अब मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगी एंड इसको एक एग का जो शेप होता है वैसा लेकर आऊँगी। आप इसको फुल एग का भी बना सकते हो बट मैंने हाफ का किया है, मोस्टली हाफ का ही शॉप्स पे मिलता है। आप चाहो तो फुल भी बना सकते हो, फिर आपको ये थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा ऊपर से जो भी लगाया है। एंड या यू कैन सी इट लुक्स ऑसम परफेक्ट। अब मैं एक एक करके बनाती चलूँगी। यहाँ मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स को मैंने चूरा कर लिया है, थोड़ा सा बस मिक्सर में चला दिया है, और ये है मैदा एंड कॉर्नफ्लोर का स्लरी काइंड ऑफ है, और ये मैंने डेविल्स रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें डेविल्स को डिप करूँगी स्लरी में सबसे पहले एंड देन इसमें। सो दिस इज रेडी। इस तरीके से बना बना के मैं इस ट्रे पे इसको रखती जाऊँ एंड आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो आप इसको लाइक जैसे मैं अभी दोपहर के टाइम पे कर रही हूँ, इवनिंग में मैं इसको बनाऊँगी, तो आप इसको सुबह भी करके रख सकते हो। जिप लॉक बैग में रख दोगे तो 2-3 दिन बाद भी इसको आप फ्राई करके बना सकते हो। तो ये मैं पहले प्रिपेयर करके रख लेती हूँ एंड शाम को मैंने फ्राई करूँगी। तो ये एग डेविल्स बन के रेडी है और ये कितने सही लग रहे हैं बिना फ्राई किए हुए ही, और शाम को मैं इनको फ्राई करती हूँ। सो शाम के 6 बज गए हैं, नाउ आई एम गोइंग टू फ्राई माई एग डेविल्स। तो ये सब जो रेडी करके रखा था फ्रिज में ही था एंड अब मैं एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। आई थिंक एक साथ 2 चाय का क्या, इसको एकदम लो फ्लेम मैंने कर दिया है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। दिस इज आवर यम्मी एग डेविल। वाओ, दिस लुक्स सो गुड, सो परफेक्ट। कैसी लगी आपको आज की 2 मज़ेदार रेसिपीज, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।